विनिंग पंजाब देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ लखविंदर सिंह मान। इस वेले दी वड्डी खबर पटियाला तो जिथे कि अज दो जथेबंदियां दे विचकार एक झड़प हुई सी। इस झड़प तो बाद किस तरह का माहौल पटियाले दे विच बनिया होया क्योंकि करफ्यू लगा दिता गया प्रशासन के वलों। करफ्यू कदों तक लग्या रहेगा इस बारे भी ज़्यादा जानकारी लीए। तो नाल ही एक वड्डी खबर होर कि हरीश सिंगला जी शिवसेना के जो आगू से उन्होंने उपर शिवसेना के वलों वड्डी कार्रवाई की गई है। किड्डी क कार्रवाई हुई है इस बारे ज़्यादा विस्तार जानकारी दे लई मेरे नाल जुड़े ने मेरे सीनियर सहयोगी अवतार सिंह गिल साहब। गिल साहब की हालात ने, करफ्यू लग्या किन्ने टाइम दे लई लग्या ते हरीश सिंगला जी दे लई की अपडेट है, की अपडेट उन्होंने लई किस तरह की कार्रवाई उन्होंने उपर हुई है? देखो लखविंदर जी, जिस तरह के नाल अज पटियाला दे विच इह जिहड़ा सिनेरियो बनिया हैगा, देखो इस दे लई सीधे सीधे जेकर कहा जावे जिम्मेदारी जेकर किसी दी सैट कीती जावे तां हरीश सिंगला और गुरसिमरन मंड हैगे ने जिहड़े, इहनां दोनां दा पूरा इस दे विच हथ रिहा। तां अज पटियाला प्रशासन वल्लों हुण जिहड़ा माहौल हैगा जिस तरह दे नाल हले तक माहौल तनावपूर्ण बनिया होया, उसके मद्देनजर 7 बजे तो लैके जो सवेर के 6 बजे तक जो करफ्यू हैगा वह लगा दिता गया। हुण लोगों भी इस गल के लिए अवेयर किया जा रहा है कि 7 बजे तो पहला वो अपने घर चले जाण, तो उस तो बाद सख्ती दे नाल पेश आया जाएगा। क्योंकि देखो जिस तरह दे नाल सिख जथेबंदियां भी प्रोटेस्ट कर रही ने, तो उधर दूजे पासे हिंदू जथेबंदियां है जिहड़ियां उन्हां वल्लों भी लगातार कहा जा रहा है कि साढ़े उत्ते हमला किया गया, जबकि अजिहा कुछ नहीं होया। पर दूजे पासे हरीश सिंगला है जिहड़े उन्होंने उत्ते जिहड़े स्टेट प्रेजिडेंट है योगराज शर्मा, उन्होंने वालों एक चिट्ठी जारी की गई है जिस दे विच पार्टी विरोधी गतिविधियां का हवाला देंदे हुए उन्होंने शिवसेना तो बाहर का रस्ता दिखा दिता गया। क्योंकि उन्होंने वालों कहा गया कि पार्टी का कोई अजिहा प्रोग्राम नहीं सी जो पंजाब दे विच एक दोबारा तो अग लाने वाली जिहड़ी कोशिश की गई है। ये बहुत जिहड़ा हरीश सिंगला वालों गलत कदम चुकया गया जिसकी पार्टी निखेधी करती है, जिसके चलते उन्होंने पार्टी के विचों बाहर कढ़ दिता गया। बाकी दूजी गल करिए करफ्यू की, करफ्यू देखो एहतियातन करफ्यू लगाया गया क्योंकि देखो कोई भी घटना वापर सकती है, अजिहे समय के कोई भी हिंदू तबके का लोग किसी सिख को टारगेट कर सकता है। और दूजे पास जेकर गल कर लीए जिस तरह के नाल लोगों का आपसी भाईचारा वो भाईचारा खराब हो सकता है, तो 144 भी लगा दी गई है कि 4 बंदे तो वो बंदे जोड़े इकट्ठ नहीं कर सकते। तो दूजे पास जोड़े सिख जथेबंदी है उन्होंने वालों फुहारा चौक के उत्ते प्रोटेस्ट किया जा रहा, उत्थे भी प्रशासन की गलबात चल रही है उन्होंने जथेबंदियों के नाल, उन्होंने समझाया जा रहा है कि चलो इस उत्ते जी बनती कार्रवाई है पुलिस वालों की जा रही है, जोड़े दोषी है उन्होंने शनाख्त की जा रही है, CCTV फुटेज देखी जा रही है। क्योंकि यह मामला एक बंदे से तो दर्ज नहीं होना क्योंकि इस बकायदा तौर पर 22 नेम कि लोगों को लिया जाता है, वो जी पुलिस की रिपोर्ट है उस तो बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन जथेबंदियां है जीडिया अड़िंग है ने कि जो तक इस गल का इंसाफ नहीं होंगे क्योंकि सिख जथेबंदियों वालों कोई भी अजिहा कदम नहीं चुकया गया, ना ही कोई अजि कॉल दी गई सी। लेकिन उसके बावजूद इस तरह माहौल खराब करने वाला जो काम हरीश सिंगला वालों किया गया लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फुहारा चौक तो इसलिए बैठे ने क्योंकि सिख जथेबंदियों ने कई लोगों को काली माता मंदिर के बाहर पत्थर वगैरह लगे ने, और एक व्यक्ति हैगा जिसके पट्ट के गोली लगने की गल कही जा रही है। लेकिन हाले तक यह साफ नहीं हो सकिया, तो असं इस गल की पुष्टि नहीं करते कि गोली लगी है या नहीं लगी, क्योंकि देखो चैनलों का भी वड्डा रोल हुंदा कि जिहड़ा माहौल हैगा उसनू साजगार बना के रखा जाए। क्योंकि असी नहीं चाहते कि साडा नाम हैगा जिहड़ा अग लाउण वालियां दे विच होवे, असी कहिंदे आ कि अग बुझाउण वालियां दे विच होवे। तां वड्डी कार्रवाई जिहड़ी हरीश सिंगला दे खिलाफ होई है उन्होंने पार्टी तों बाहर कढ दित्ता गया, उन्होंने दे अहुदे ने जिहड़े वापस लै लए गए ने। तां दूजे पासे करफ्यू है जिहड़ा वधाया भी जा सकदा, तां हो सकदा कि कल दा दिन भी जिहड़ा करफ्यू है उह पटियाला दे विच बादस्तूर उस तरह के नाल लग्या रहे। बाकी अफसरों वालों मीटिंगां जरूर कीतियां जा रही है, दूजे पासे मुख्यमंत्री ने भी मीटिंग बुला ली है, उत्थे DGP नूं भी झाड़ पाई गई है इस मामले के उत्ते कि आखिर पंजाब पुलिस की एड्डी किड्डी अणगहली हो सकती है कि एड्डा वड्डा घटनाक्रम है जिहड़ा उह वापर गया, पुलिस वालों समां रहिंदे जिहड़े कदम क्यों नहीं चुके गए। बिल्कुल जी, एक पासे तो आप गल करिए शिवसेना की, उन्होंने वालों वड्डा कदम चुकते हुए एक वड्डी सज़ा हरीश सिंगला नूं दित्ती गई क्योंकि उन्होंने कॉल के उपर ही अज पूरा घटनाक्रम टिकया होया सी। जिवें कि दस्सिया भी हरीश सिंगला जी वालों कॉल सीगी, सो सिख जथेबंदियां ने उन्होंने विरोध की विरोधता की। सो गल करिए शिवसेना की, तो वालों कार्रवाई होगी कि पुलिस वालों ज प्रशासन वालों कोई किसी तरह की कार्रवाई सामने आई है जो हरीश सिंगला जी के खिलाफ हुई होगी हुण तक?
देखो फिलहाल तक तो उन्होंने डिटेन किया गया। देखो कुछ जिहड़े शिवसेना के कारकुन हैगे ने जो सिख जथेबंदियां मंदिर तक पहुंच गई सी जो इन्होंने उन्होंने ललकारिया कि तुसी उत्थे आके दिखाओ उत्थे भी पहुंच गए सी उह तां उत्थे उह मंदिर के परिसर के अंदर चले गए सी तां उत्थे प्रशासन ने उन्होंने तालाबंदी करती सी उत्थे जिंदा लगा दिता सी मंदिर के अंदर। लेकिन हुण उह प्रशासन जो इधर रुझ गया फुहारा चौक के उत्ते धरना लग गया जो जख्मी लोगों को रजिंदर हस्पताल लगाया गया सरकारी रजिंदर हस्पताल तो वह ताले तोड़ के बाहर आ गए हैं तो वह भी अपना अलग तो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो स्थिति हले कुल मिला के डावाडोल ही है तनावपूर्णी है तो उस चलते एहतियातन यह कदम चुकया गया कि दफा 144 भी इंपोज की गई है तो करफ्यू भी इंपोज किया गया तो कल यह करफ्यू है जो बढ़ाया भी जा सकता क्योंकि देखो मैनू नहीं लगता कि जिस तरह का माहौल बनया होया कल हालात सुखावे हो जाएंगे सुखावे होवे होंगे नजर नहीं आ रहे क्योंकि जिस तरह की अग लगाई गई है एक तरह के नाल धार्मिक भावनावां नूं भड़काया गया जिस तरह हरीश सिंगला वालों हिंदू लोगों के धार्मिक भावनावां नूं भड़का के उन्होंने वालों मार्च कढ़ने की जिहड़ी गल कही गई है तो दूजे पासे एक तरह के नाल सिखां दी जिहड़ियां भावनावां ने उन्होंने भी भड़काया गया क्योंकि देखो उन्हों का कोई अजिहा प्रोग्राम नहीं सी कि कोई मार्च निकले ना निकले या कढ़ना या असी रोकना जो इन्हों वालों बार बार सोशल मीडिया के उत्ते गल प्रचारिया गया कि जेकर तुहाडे च दम है तो तुसी रोक लियो असी मार्च कढ़ांगे असी खालिस्तान मुर्दाबाद करांगे असी खालिस्तान के विरुद्ध मार्च भी करांगे जेकर किसी जरूरत हैगी है तो रोक ले। तो देखो सोशल मीडिया के 10-11 दिन तो यह गल्लां चल रही सीगियां पुलिस प्रशासन चाहिए कि एहतियातन जिस तरह के मैं पहला दसिया कि किसान है जिस तरह किसानों ने कोई प्रोटेस्ट करना होंगे उन्होंने एक दिन पहले डिटेन कर लेंदी है पुलिस एक दिन पहले ही उन्होंने सवेरे 4 बजे घरों चक लेंदे 3 बजे जो सुते पे होंगे ने। तो इस मामले के आखिर हरीश सिंगला क्यों नहीं डिटेन किया गया जेकर उन्होंने डिटेन कर लिया जाता उन्होंने कल ही अरैसट कर लिया जाता या हाउस अरैसट ही पा दी जाती कि उन्होंने घर के दुआले पुलिस ही इन्नी तैनात कर दी जाती कि बाहर आ ही ना सकते। देखो 16-17 गनमैन की सिक्योरिटी मिली हुई है हरीश सिंगला लगातार विवादों च रहे हैं शुरू तो ही विवादित बयान देना उन्होंने आदत हैगी है हमेशा ही धार्मिक भावना भड़काने वाले बयान दे रहे हैं। तो क्यों नहीं उन्होंने डिटेन किया गया क्यों नहीं उन्होंने घर के हाउस अरैसट किया गया जेकर ऐसा पुलिस यहोजा कदम चुकती कि उन्होंने हाउस अरैसट ही कर दी चलो डिटेन करके थाने ना ले जाती तो हाउस अरैसट ही कर दी। तो यह सारा जिन्ना अज एपीसोड होया जिन्ना घटनाक्रम होया यह होना ही नहीं सी क्योंकि हरीश सिंगला ना होंगे ना सिख जथेबंदियां ने आना सी ना ही हिंदुओं ने कोई अजिहा कदम चुकना सी। तो देखो सवाल कई खड़े होंगे ने हुण इहदा जांच तो बाद पता लगूगा क्योंकि हुण सीएम ने भी जांच के आदेश देते हैं कमेटी की मीटिंग बुला ली हुई है उन्होंने मीटिंग चल रही है तो हुण देखते हैं की फैसला करते हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मामले के उत्ते। लेकिन मामला बहुत गंभीर है इस एक बयान ने पूरे पंजाब दे विच दोबारा तो काले दौर वाले हालात पैदा करते ने एक अग लाउण वाली गल की गई है पूरे पंजाब दे विच धार्मिक भावनावां दे नाल पूरा खिलवाड़ किया गया तो हुण देखना होगा कि किहड़ियां धारावां ने जिहड़ियां लाइया जांदियां ने कि इहनां उत्ते भी UAPA लागू किया जाता या नहीं किया जाता या फिर इत्थे कोई पार्शियलिटी की जाती है यह तो देखना होगा। सो गिल साहब जी तुसीं दस्सिया भी अजे धार्मिक जिहड़ी जथेबंदियां ने जां सिख जथेबंदियां ने उह डटियां होईयां ने पटियाला दे विच तुसीं दस्सिया भी फुहारा चौंक दे उप्पर डटे होए ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आखिर यह धरना हुण किस चीज़ नूं लैके लगाया गया कोई मंगा ने उन्हां दीआं प्रशासन नूं लैके प्रशासन संबंधी भी वह मंगा पूरियां करवाउण लई धरना लग्गा जां कारण की ने धरने दे। बिल्कुल देखो उन्होंने वालों कहा गया कि जेड़े हुण साडे लोग जेड़े जख्मी होए ने इन्हां दा इंसाफ भी होना चाहिए क्योंकि देखो साडी तां कॉल नहीं सी असी इन्हां नूं कहा नहीं सी कि असी इस तरह का कोई प्रदर्शन करांगे पटियाला दे विच आके या कुछ इदां करांगे कोई अजिही साडी कोई भी कॉल साडी कोई भी कार्रवाई नहीं सी। तो यह सारा जिहड़ा घटनाक्रम है हरीश सिंगला ते गुरसिमरन सिंह मंड दे पैरों होया तो इन्हां दे खिलाफ UAPA लगाए जाण दी मंग कर रहे ने कि इन्हां नूं UAPA अधीन गिरफ्तार किया जाए ਜਿਹੜੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਮੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ UAPA ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਾਰਨ
ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੂਗਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਮੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੇਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਿਲ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਖਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ ਕੀ। ਸੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟੇਰੂੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੁਆਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਫਾ 144 ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਹਾਲਾਤ ਨੋਰਮਲ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।